दोस्तों, भारत के पास बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक ऐसा अदृश्य वेपन टेस्ट किया है जो पलक झपकते ही न केवल किसी भी अनमैंड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन या फाइटर जेट को जमीन पर गिरा सकता है, बल्कि यह हथियार एक ही झटके में शहरों की बिजली भी गुल कर सकता है। यानी चीन अब केवल सीमा पर भी बड़ा संकट नहीं है, बल्कि अब वो भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में मची उथल पुथल से ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग अब युद्ध का आगाज करने के मूड में है। लिहाजा ये वक्त भारत के लिए बेहद अलर्ट रहने का है, क्योंकि सीमा पर रातों रात बड़ी तादाद में फौज तैनात हो चुकी है। हथियारों का पूरा जखीरा ही बारूद भरकर तैयार किया है। ठीक से कहें तो भारत और चीन इस वक्त ट्रिगर पॉइंट पर हैं। बस एक इशारे के साथ ही विस्फोट हो सकता है। और इसी बीच चीन का ये खतरनाक ब्लैकआउट बम किसी बड़ी सुनामी से कम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस बेहद खतरनाक हथियार और चीन के फरेब से पूरी तरह से रूबरू करवाने वाली हूँ, लेकिन ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये कैसे काम करता है, चीन ने इसे कैसे तैयार किया है और युद्ध के मैदान में ये कैसे तहलका मचा सकता है, और क्या भारत के पास इसका कोई तोड़ है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। बस आप वीडियो पूरा देखिए, और अगर आप ऐसे हथियार के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चीन के महाविनाशक हथियार से डरी दुनिया, एक ही झटके में बर्बाद कर सकता है देश का नेटवर्क। दोस्तों, चीन ने जो हथियार बनाया है वो एक ही झटके में दिल्ली और मुंबई को अंधेरे में भेज सकता है, भारत के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को जमीन पर गिरा सकता है। ये बेहद खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP, जिससे किसी ड्रोन और फाइटर जेट को मिलने वाले कमांड सिग्नल को जाम किया जा सकता है। ऐसे में उनका कंट्रोल अपने कमांड सेंटर से टूट जाएगा और वो निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाएगा। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि चीन ने इन हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पैदा करने के लिए नया हाइपरसोनिक हथियार भी बना लिया है। यह हथियार किसी भी शहर की कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई लाइन को ठप कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा की बताई जा रही है। ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 6 गुना तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इस हथियार को किसी शहर के ऊपर रासायनिक विस्फोट कर उसे असहाय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ने बाकायदा कहा है कि इसे अंतरिक्ष में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं पकड़ सकता है। यानी अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उन्हें धरती के किसी भी हिस्से से फायर की गई मिसाइल का रियल टाइम डेटा मिल जाता है और इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल किस स्थान को निशाना बनाने वाली है। लेकिन चीन की इस मिसाइल को वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे काम करता है चीन का ये खतरनाक हथियार? दोस्तों, चीन की ये खतरनाक मिसाइल जब टारगेट एरिया में पहुंचती है तो इसके बाद इसमें एक रासायनिक विस्फोट शुरू हो जाता है जो फ्लक्स कंप्रेसर जनरेटर के नाम वाली चुंबक को चार्ज कर देती है, और चार्जिंग के बाद ये कंप्रेस हो जाती है और इस कारण ये शॉक एनर्जी में बदल जाता है। यही शॉक एनर्जी बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में बदल जाती है। ये बात थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये केवल 10 सेकेंड में 95% ऊर्जा जनरेट कर देती है। ये एनर्जी इलाके में मौजूद विद्युत चुंबकीय पल्स को खाक कर देती है, लिहाजा 2 किलोमीटर की रेंज में किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। इस बेहद घातक हथियार से भारत के लिए बड़ी दिक्कत ये है कि इसके बारे में किसी को पता तक नहीं चल पाता, और एनर्जी रीजनरेशन पर आधारित एक्टिव स्टील्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार किसी भी युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देता है। इस मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक अधिकारी ने कहा है कि चीन इन हथियारों को तैनात कर चुका है। चीन ने टेस्टिंग के दौरान जब इस हथियार को दागा था तब समुद्र तल से 5000 फीट ऊपर उड़ रहा एक ड्रोन जमीन पर आ गिरा था। ये EMP हथियार एक नैरो बैंड के भीतर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि इसके द्वारा पैदा की गई
माइक्रोवेव बीम को लंबी फायरिंग रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में ये काफी लंबे क्षेत्र को दुश्मन के ड्रोन और यूएवी से सुरक्षित रख सकता है। पल्स हथियार दागे जाने के बाद जिस ड्रोन पर निशाना लगाया गया था उस ड्रोन की उड़ान नियंत्रण प्रणाली ही बर्बाद हो गई थी। आपको बता दें कि ईएमपी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन से निकली तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये ऊर्जा की एक केंद्रित किरण उत्पन्न करने के लिए सुपर शक्तिशाली माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग करता है। ईएमपी से निकली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ड्रोन में वोल्टेज वृद्धि का कारण बनती है। इससे पहले कि ड्रोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने तापमान को नियंत्रित कर सके ये वेपन उसे बेकार बना देता है। किम जोंग उन के पास भी है ये खतरनाक हथियार। दोस्तों ये खतरनाक हथियार केवल चीन के ही पास नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला हथियार पहले से ही मौजूद है। उत्तर कोरिया दुनिया को केवल मिसाइल और हाइड्रोजन बम से ही नहीं डरा रहा है बल्कि उसके इस हथियार से अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया डरे हुए हैं। बाकायदा साउथ कोरिया ने तो इस हथियार की खबर के बाद से ही अपने नेशनल बैंक के डेटा सेंटर्स को ही दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि इसके चलते बैंकों का पूरा डेटा ही बर्बाद हो सकता है। दक्षिण कोरिया सरकार ने बाकायदा मंत्रालयों न्यूक्लियर पावर स्टेशन और एयरलाइंस को ऐसे हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट पर रखा हुआ है।